अगर आप परेशान हैं बिजली के बिल से, आपके पास सिस्टम तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपका सिस्टम बैकअप नहीं दे पा रहा है, और आप बैकअप के लिए परेशान हैं कि कैसे हम किसी सिस्टम को चलाएं, या तो आपका स्कूल है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या कोई सेंटर ऐसा है जहां पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पास बैकअप नहीं है और कंप्यूटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम इंडिविजुअल कंप्यूटर्स लगाते हैं, जैसे मेरे पास एक इंडिविजुअल कंप्यूटर यहाँ चल रहा है, तो आप देख रहे हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर में कि इस इंडिविजुअल कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा हुआ है और एक मॉनिटर लगा हुआ है। ये ऑटोकैड की क्लास चले इस पर, तो एक सीपीयू और एक मॉनिटर लगा हुआ है और ये पावर जो है सीपीयू एक्स्ट्रा इसके साथ ले रहा है। मगर दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको तो एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिस सिस्टम में सीपीयू आपको देखने को मिल रहा है, आपको लास्ट में एक सीपीयू देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप एक सीपीयू से मल्टीपल सिस्टम को चला रहे हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 7 कंप्यूटर चलाने हैं तो 7 कंप्यूटर चलाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सीपीयू की ज़रूरत है। यानी कि हम बाकी 6 सीपीयू की जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है उसे हम बचा सकते हैं इस मॉडल से। ये जो मॉडल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है और इसको थिन क्लाइंट भी कहा जाता है। ये थिन क्लाइंट मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि हम एक ही सीपीयू से मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और हम चलाते हैं, जिससे कि सीपीयू से जो पावर हमारा खर्च है वो बच जाता है। तो वो पावर बच जाता है जिसको आप महज एक छोटे से इन्वर्टर से भी पूरे दिन इस लैब को चला सकते हैं। यानी अगर आपको लैब चलाना हो तो आप एन कंप्यूटिंग मॉडल का इस्तेमाल करें जिसमें बहुत कम यूटिलाइजेशन होगा बिजली का, आपका बिजली का बिल कम आएगा। और अगर पावर बैकअप की बात करें तो अगर आप इन्वर्टर वगैरह लगवाते हैं तो वो पावर बैकअप ईजिली आपके उस लैब को संभाल सकता है। अब इसको लगाने के लिए क्या चाहिए हमें? तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉनिटर चाहिए। मॉनिटर ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा ही मॉनिटर लें, आप 2-3 हज़ार का मॉनिटर, आईबॉल वगैरह का है, उससे सस्ता एसर वगैरह का मॉनिटर आप ले सकते हैं। तो आपको मॉनिटर लेना पड़ेगा और जितने टर्मिनल आपको बनाने हैं, फिलहाल एक मॉनिटर को मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ, जितने आपको टर्मिनल बनाने हैं मॉनिटर लगाना है, आप उन टर्मिनल्स उतने आप मॉनिटर ले लेंगे। मॉनिटर के बाद साथ में आपको एक सीपीयू बनवाना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा i3 प्रोसेसर लगवाना पड़ेगा। आप i7 भी लगवा सकते हैं बैकअप के लिए, और मैक्सिमम 500 GB का हार्ड डिस्क का आपको इस्तेमाल करना है। इतना लगवाने के बाद से आपको हर एक टर्मिनल को एक कीबोर्ड और एक माउस यानी एक मॉनिटर आपको लगाना है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है ये हम देखेंगे। तो अगर हमको ये एन कंप्यूटिंग कनेक्ट कराना है तो हमारे पास हर एक टर्मिनल के पीछे एक डिवाइस लगता है, वो डिवाइस आपको भी लेना पड़ेगा साथ में, यानी कि उस डिवाइस को लगवाना पड़ेगा। इस डिवाइस की जो खर्च है वो 2-3 हज़ार है, यानी एक मॉनिटर बनाने में आपको 4-5 हज़ार रुपया लगेगा। तो आप चाहें तो आप लैब बना सकते हैं, आप लैब को चला सकते हैं जिसमें बहुत कम खपत लगना है। अब आपको हर टर्मिनल के साथ एक आपको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस लगाना है, वो डिवाइस जाके सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट है। और एक ही सीपीयू में यूज़र क्रिएट करके आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा सकते हैं। अगर आप बात करें किसी एन कंप्यूटिंग डिवाइस की जिसमें एन कंप्यूटिंग सपोर्टेबल है, एन कंप्यूटिंग अगर उसमें काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखिए विंडोज़ 10 पे चल रहा है, आप इसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 किसी पे भी, लिनक्स पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और चला सकते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है स्विच, आप स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। ये स्विच है 500-700 या 1000 के रुपये, 1000 रुपये में आपको मिल जाना है। ये पूरा सेटअप, अगर मैं एक मॉनिटर की बात करता हूँ तो एक मॉनिटर 5-6 हज़ार में तैयार हो रहा है आपका। तो अगर आप 10 मॉनिटर लगवाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा वो 60 हज़ार रुपये के आसपास आएगा।
और एक आप सीपीयू बनाते हैं जो 20,000 से 30,000 के बीच में तैयार हो जाएगा। यानी कि आपका जो एक लैब है 10 कंप्यूटर का, वो महज 1,00,000 रुपए से कम में तैयार हो सकता है। बाकी जो 20,000 बच रहा है उसका आप फर्नीचर बनवाएं और 2-4 टेबल रख दें, आपका लैब तैयार है, आप आसानी से चला सकते हैं। तो ये जो है वो बेनिफिट्स हैं आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल का, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके चला सकते हैं। इस मॉडल में आप इंटरनेट वगैरह की भी कनेक्टिविटी करा सकते हैं, किसी भी यूज़र को किसी भी सिस्टम में चला सकते हैं। अब अगर और भी कोई जानकारी आपको लेनी होगी तो आप हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहिएगा, इस क्लास में बने रहिएगा, हम अगले बेनिफिट्स के लिए आपको बताएंगे। आप हमारे साथ लाइव रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।